अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और ये वीडियो है जी वेनेसडे से थर्सडे तक का, शाम का टाइम था, बल्कि चार बजे का टाइम था। किसवायरा को भूख लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि मम्मा मैगी बना दें, तो बस मैंने उनको मैगी बना के दिया खा पी के, जो है फिर मैंने उन्हें पढ़ने बिठाया। असल में किसवा का काम काफ़ी सारा मेरे पास जमा हो चुका है, काफ़ी सारा इन सेंस के जो छुट्टियां हो रही हैं और जो करंट सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, तो जितने भी वो ऑफ दे रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने काम का जो है वो थोड़ा सा बर्डन कर दिया है कि वो ज़्यादा ज़्यादा वर्क दे रहे हैं बच्चों को। तो वो मुझे किसवा को दो टाइम बिठा के पढ़ा कर ही कम्प्लीट करना पड़ता। बस बच्चों को पढ़ने बिठाया था मैंने और इतने में ही फैजान आ गए थे। आज जल्दी तो नहीं आए थे, खैर लेट ही आ रहे हैं आजकल। तो बस मैंने चाय का पानी रख दिया था और थोड़े बहुत बर्तन थे मैंने वो भी धो लिए थे। जब वो होते हैं तभी मैं चाय बनाती हूँ और मैं भी चाय पीती हूँ, वरना अकेले अगर मैं हूँ शाम के टाइम पे या वो लेट आ रहे हूँ ऑफिस से तो मेरी चाय शाम की स्किप हो जाती है और फिर मेरे सर में दर्द होता है। अकेले बना के पीने का मेरा दिल ही नहीं करता। खैर बस वो आ गए थे, मैंने उनसे पूछा चाय बना लूँ, कहने लगे हाँ चाय बना लो, चाय पीऊँगा मैं। तो बस फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी जल्दी से, बच्चे अपना वहीं बैठ के पढ़ रहे थे। और बस फिर मैं चाय ले आई थी, मैंने चाय ला के रखी, मुझे तो चाय पीनी थी लेकिन उनको भूख लग रही थी। उन्होंने पूछा खाना क्या है, खाना रेडी है, मैंने कहा निहारी बनी हुई है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था निहारी मैं राइस से खाऊंगा, तो बस फिर मैंने उनको उनकी चाय रख दी थी, मैंने चाय पी ली थी। मैंने उन्हें पहले खाना दे दिया, मैंने कहा आप खाना खा लें उसके बाद चाय पी लीजिएगा। और ये चाय के साथ मैंने स्नैक्स लिए थे, ये राइस के होते हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। Your colors. What you are coloring? This. And there is cook to go and I'll do it. Okay. What is this? What is this? Tent. Tent. Very good. And what is this? Tree. And what is this? Lion. Tiger. Tiger. Very good. And tomato. And tortoise. Tortoise. और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, किसका उठ गई थी और फैशन अप होने के लिए वॉशरूम में जा चुकी थी और आयरा को मैं बस उठा रही थी कि काफ़ी लेट हो गया है उठ जाओ। तो बस यहाँ पर ये भी उठ रही है, मैं देख रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ और ये अपनी छोटी छोटी सी आँखें खोल के मुझे ऐसे प्रिटेंड करी थी कि मैं सो रही हूँ। तो बस बच्चे उठ गए थे, फ्रेश हो गए थे। फ्रेश होने के बाद जो है वो जब तक मैं नाश्ता लेने जाती हूँ उनका, पूछ रही थी क्या खाओगे तुम लोग, तो वो अपना जिग्सॉ लेके बैठ गए थे और वो अपना जो है वो पज़ल कंप्लीट कर रहे थे। Look guys, this is my jigsaw puzzle. I have made. You can see? My jigsaw puzzle. It with Elsa, cake,
Olaf, Sven, Kristoff, then Elsa and Anna, and Elsa is holding Olaf. And Olaf tried, silly Billy Olaf, tried some of the cake and some cake. और मैं जो हूँ वो किचन में नाश्ता लेने गई थी उनका चाय बनाने के लिए, और वो ये लास्ट वाला क्लिप जो है वो किस्वा ने खुद ही रिकॉर्ड कर लिया था। अब ये नाश्ता में ले आई थी किस्वा को जो है वो हनी के साथ खाना था, आयरा को जो है वो चॉकलेट स्प्रेड के साथ खाना था। तो बस खिला पिला के मैंने दोबारा से जो है वो इन्हें पढ़ने बिठा दिया था। रूटीन बनी हुई है इनकी, ये सुबह में एक टाइम पढ़ने बैठती हैं नाश्ते वगैरह से फारे होकर, और फिर शाम में एक टाइम पढ़ने बैठती हैं। या तो मैं मगरिब के बाद ही मोस्टली पढ़ने बिठाती हूँ, मगरिब से पहले नहीं पढ़ाती। तो दो टाइम इनके जो है वो फिक्स हैं कि इन्होंने पढ़ने बैठना ही बैठना है। बस किस्वा को पढ़ने बिठाती हूँ तो आयरा को भी साथ में जो है वो ले लेती हूँ, ताकि ये वो भी उसकी भी कलरिंग नीट हो, उसे भी जो है वो चीज़ें पता चले। बल्कि आयरा खुद ही जो है वो देखती है किस्वा पढ़ने बैठी है तो वो अपना सारा सामान लेकर आ जाती है। प्रिंट आउट जो है वो फैज़ान लेकर आते हैं ऑफिस से, मैं करवा लेती हूँ। अब तो वो ख़ुद भी ले आते हैं, उन्हें याद होता है कि किस आयरा के प्रिंट्स ख़त्म हो गए हैं। तो बस आयरा पढ़ती है, स्पेलिंग करती है, कलरिंग करती है। I like it. This is orange juice. Okay, do color. But neat and clean, okay? Don't go outside the line. You did as you did yesterday in the lovely edge house, na? That the house was very nice. Very good. Do neat like and clean, that. Okay? Guys, for me to study. Start writing. You have done with your jug. Now jellyfish. Okay. किस्वा के पास जो है वो हर सब्जेक्ट की 2-2 कॉपीज़ हैं, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। तो अब जो होता है कि उसे मुझे दोनों कॉपीज़ का काम करवाना होता है, क्लास वर्क भी होमवर्क भी। तो इंग्लिश का क्लास वर्क काम उसने पहले कर लिया था, यस्टर नाइट कर लिया था, और अब जो है वो होमवर्क वाला मैं करवा रही थी। तो इस तरह से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक कॉपी का काम स्कूल में करके आते हैं, सेम वही काम वो घर आके रिपीट कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि मुझे दोनों काम खुद करवाने पड़ते हैं, तो मैं एक कॉपी का काम सुबह कराती हूँ, एक कॉपी का काम शाम में करवाती हूँ। तो एक पूरा जो है वो होमवर्क सुबह में होता है उसका, और एक पूरा शाम में होता है। मेरी कोशिश होती है कि डेली का जो काम आ रहा है वो मैं डेली ही करवा लूँ। और यहाँ बस बच्चे दोनों डन कर चुके थे अपना काम, आयरा अपनी कलरिंग कर रही थी, और किस्वा का जो है वो इंग्लिश कम्प्लीट हो गया था, और किस्वा अब अपनी इन्फेंट मैथ्स लेके बैठ गई थी। Case silent in knife. Yes. Okay. And now what you some are doing? Some letter like it's X for xylophone and Z is coming, so X is also silent. So K is also silent. So some letters and words are silent. What you are doing now? I'm doing informatics. Page number. Page number 30. Come on, let's do quickly. Let's. This I have done this for you. 10 cookies. How many out or two? And it is 12. Ayra, you are not studying? 10 tarts. You are done? Only one page? 10 tarts. Two. Are these which 10 two? Tarts? You did only J. Haan. Are these 10 tarts? Look, she did K. Okay. Show me. Okay, Ayra, okay. You did tarts. J and K. पढ़ाई के बाद बस फिर बच्चों ने चेंज वगैरह किया, मैंने थोड़ा बहुत रूम क्लीन अप किया, और फिर बच्चों को चाहिए थे फ्रूट्स, तो मेरे पास सिर्फ ऑरेंजेस ही पड़े थे, बाकी सारे फ्रूट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। तो मैंने बच्चों को वही करके दे दिया, और यहाँ निकाल लिए थे शाम के लिए कपड़े, क्योंकि शाम में हमने बाहर जाना था। पूरा वीक ही हो जाता है, बस थर्सडे को फैजान ने कहा था कि हम थोड़ा सा बाहर चलेंगे। तो बस, और ये जो जंप सूट हैं किस्वा आयरा के, ये पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से दोबारा सामान आया था माशाल्लाह। तो ये उसमें उनकी लाला ने उनके जंप सूट भेजे थे, और बस फिर हम रेडी वगैरह होके निकल चुके थे। कहीं हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, जस्ट 5 रियाल गए थे, मुझे एक दो ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी तो हमें वहाँ जाना था। और बस फिर हम खाना खाने गए थे, खाना खाने भी हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बस रेड चिली ही गए थे जो कि कॉर्नर पर है, बिल्कुल घर के नियरेस्ट ही है।
बस हम वहाँ पहुँचे तो इशा की अज़ान का टाइम हो चुका था और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और हम गए पहले खाना खाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें इतना वेट करवाया, उन्होंने कहा नमाज का टाइम है हमारा बंद होता है, बस हम वेट करते रहे। एक घंटा उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगाया खाना सर्व करने में, तब तक भूख बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और बस खाने का वेट करते करते जो है वो किस वायरा ने अपना ही रेस्टोरेंट खोल लिया था। आयरा जो है वो कस्टमर बन गई थी और किसवा वेटर बन गई थी और यहाँ पर ये जो है इन्होंने पूरा अपना नया इंटीरियर किया है, नए तरीके से इन्होंने पूरा रेनोवेट किया है दोबारा से रेड चिली। पहले ऐसा नहीं था, वो काफ़ी कंजस्टेड था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हो चुका हुआ है और अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बच्चों का खाना आ चुका था, बच्चों ने ऑर्डर किया था मलाई बोटी पिज़्ज़ा, तो बच्चों का खाना आ गया था। मैंने अपना खाना इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वहाँ पर हम जब बैठे हुए थे तो फिज़ान के ऑफिस कलीग हैं, कोई उनकी फैमिली मिल गई थी, उनकी मिसेस थी, बच्चे थे, तो फिज़ान ने मुझे उनसे मिलवाया। बस मैं उनके साथ बैठ के बात कर रही थी तो इतने में खाना आ गया, हमने खाना जो है वो मैं उसका क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो बस फिर हम वहाँ से निकले, 5 रियाल जाना था मुझे, 2-3 चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो लेनी थी, बिल्कुल करीब में ही था घर के सामने, तो बस फिर हम 5 रियाल चले गए। आओ मैं वहां से वो फोन उठा लेती हूँ, सामने ही रखा है। और यहाँ पर मैं बॉक्स वगैरह देख रही थी किसवा आयरा के लिए, मुझे बॉक्सेस चाहिए थे, स्टेशनरी उनकी काफ़ी मैसी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग दोनों के बॉक्सेस बना दूँ ताकि जो है वो दोनों मिक्सअप भी ना करें अपनी अपनी चीज़ें। और यहाँ पर किसवा आयरा जो हैं वो अपने बैंड्स वगैरह देख रही थी। खैर ये सब कुछ हमने जो भी चीज़ें लेनी थी हमने ले लिया है, सारा पूरा बॉक्सेस का प्लास्टिक का सेक्शन था। यहाँ पर चीज़ें जो है वो 5 रियाल की नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट प्राइजेस की भी थी, कुछ काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस की भी थी जो नॉर्मल प्राइजेस होते हैं, तो ये फिक्स 5 रियाल नहीं था, 10 रियाल, 7 रियाल, 9 रियाल और डिफरेंट प्राइजेस थी। खैर यहाँ से जो भी कुछ हमने लेना था वो हमने लिया और उसके बाद हम घर चले गए थे। और उसके बाद बस किसवा जो है वो इस वीडियो को एंड कर रही है, आप आगे सुनेंगे, तो मैं आपसे यहीं पर लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। So guys, this is it for today. I hope you enjoy this wonderful video. And now I'm taking some permission to end this vlog. I hope you like. If you like anything, please remember to subscribe the channel. It means a lot to my mama. And bye.